खंडवा के प्रसिद्ध आर एंड के कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां, और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 9644960504। खंडवा जिले के शासकीय राशन दुकान संचालक कोरोना काल में बायोमेट्रिक के बिना राशन दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां इन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। इन्होंने कहा कि हमें बायोमेट्रिक पर उपभोक्ता का अंगूठा लगाने से कोरोना होने का खतरा है। प्रदेश में 2 सेल्समैन की कोरोना से पहले ही मौत हो चुकी है। इन्होंने कोरोना योद्धा बनाए जाने की मांग भी की है। इसी मांग को लेकर ये बुधवार तक शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी बंद रखेंगे। आज जिले के शासकीय उचित मूल्य के दुकानदार बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां इन्होंने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में इन्होंने उपभोक्ताओं को बिना बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाए राशन दिए जाने की मांग की। इन्होंने कहा कि मशीन पर अंगूठा लगाए जाने से कोरोना होने का हम लोगों को खतरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग न ही मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के हमारे 2 शासकीय राशन दुकानदार की कोरोना से मौत हो चुकी। ऐसे हम कैसे इसका उपयोग करें। साथ ही इन्होंने अन्य दूसरे कार्य नहीं करवाने और कोरोना बनाए जाने की मांग भी है। इन्होंने कहा कि हम लोगों को बुधवार तक मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया। हमारी बुधवार तक दुकानें बंद रहेगी। इनके शासकीय उचित मूल्य की दुकान बंद रखने से चल रहे कोरोना काल में गरीब उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अब देखना होगा कि इनकी मांग को लेकर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। हम पूरे खंडवा जिले के सेल्समैन हैं। शासकीय उचित मूल्य कंट्रोल दुकानों का संचालन हमारे द्वारा किया जाता है और अभी शासन ने जो हम लोगों पे सख्ती दर्शाई है कि आधार आधारित वितरण ही करना पड़ेगा, तो इसके विरोध में आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और हमारी ये मांग है कि कोरोना संक्रमण काल में हम लोगों को बिना अंगूठा लगाए वितरण करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अंगूठा लगाने में संक्रमण फैलने का डर है और हमारे 2 सेल्समैन भाइयों की कोरोना पॉजिटिव होने से मृत्यु हो चुकी है, एक भोपाल और एक अंजड़ में। अभी कोरोना संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको शासन कुछ सुविधाएं भी दे, हमको कोरोना योद्धा घोषित करें और हमारे भी अन्य विभागों की जैसे बीमे वगैरह की सुविधा हमको दी जाए। और हम ये चाहते हैं कि कोरोना काल में बिना आधा अंगूठे के हम वितरण करें, जिससे संक्रमण के ऊपर बहुत पुस्तक का रोकथाम की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंस और सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं। आगे हमको खाद्य अधिकारी द्वारा बुधवार तक का आश्वासन दिया गया है कि बुधवार तक आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, और अगर हमारी बुधवार तक मांगें नहीं मानी जाती है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और बुधवार तक हमारी सभी की दुकानें बंद रहेंगी और उसके बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा वो किया जाएगा।